चार सिंघल के बाद अब किसकी है बारी। ईडी कर रही है बड़ी छापेमारी की तैयारी। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुसंधान कर रही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की सीधी नजर अब संताल परगना के क्षेत्र में अवैध खनन व अवैध परिवहन पर है। कुछ दिन पहले साहिबगंज में गंगा नदी में स्टोन चिप्स लदे ट्रकों सहित जहाज के डूबने की घटना को भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से देख रहा है। इसके लिए ईडी की एक टीम साहिबगंज में गरम घाट का दौरा भी कर चुकी है। इस पूरी घटना में अवैध पत्थर खनन व परिवहन की जानकारी मिली है। यही वजह है कि अब ईडी ने वहां गंगा नदी पर फेरी सेवा के माध्यम से बिहार में ट्रकों व अन्य वस्तुओं के परिवहन संबंधित लॉग बुक प्रस्तुत करने के लिए साहिबगंज नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड को समन किया है, ताकि उनके हिसाब किताब का पूरा जायजा लिया जा सके। ईडी यह जानकारी हासिल करना चाहता है कि नदी में डूबने वाले ट्रकों पर स्टोन चिप्स लदे थे क्या, खनन विभाग ने परिवहन परमिट भी जारी किया था और सरकार को जीएसटी व राजस्व का भुगतान किया गया था या नहीं। पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान ईडी ने संताल क्षेत्र के तीन जिले पाकुड़, दुमका व साहिबगंज के डीएमओ से भी लंबी पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया है। ईडी की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि खान व भूतत्व विभाग के सचिव रहते हुए पूजा सिंघल ने राज्य में अवैध खनन करवाया और वहाँ से रिश्वत के रूप में मोटी रकम ली है। साहिबगंज नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड झारखंड में साहिबगंज से बिहार व कटिहार जिले के बीच गंगा नदी पर स्टोन चिप्स लदे वाहनों का जहाज के माध्यम से फेरी सेवा से परिवहन करता है। ईडी ने समिति के सचिव हुलास चौधरी को समन कर जानकारी मांगी है। वे कटिहार जाने वाले ट्रकों की विवरणी वाली लॉग बुक जमा करें। इसके अलावा जो नौका घाट अधिसूचित नहीं है और वहां से फेरी सेवा चल रही है तो उसकी भी जानकारी दें। इसके एवज में समिति पर अवैध तरीके से मोटी रकम की वसूली का आरोप लगा है। SNYSSL पिछले दो साल से साहिबगंज व कटिहार के बीच गंगा नदी पर जहाज का परिवहन परिचालन करवा रही है। इस समिति को साहिबगंज के समदा घाट से बिहार के कटिहार स्थित मनिहारी घाट के बीच जहाज परिचालन को अनुमति है। वाहन परिचालन के लिए जो शर्तें हैं उसके अनुसार रात में जहाज परिचालन की अनुमति नहीं है, लेकिन वहां रात में भी अवैध तरीके से वाहनों का परिचालन होता था। गंगा नदी पर गरम घाट व खट्टी घाट अवैध घाट है, जहां मालवाहक जहाज की दुर्घटना हुई थी। ईडी को भी जानकारी मिली है कि उसके अनुसार अवैध परिवहन गरम घाट से होता था। अपनी कोख में हजारों करोड़ के खनिज को छिपा कर रखे संताल परगना धरती का सबसे बड़ा दुखिया है। इस धरती पर आसरा लेने वाले परिवार गरीबी और तंगहाली में जीवन बसर कर रहे हैं। इसके पीछे के कारणों में कहीं ना कहीं वहां राज कर रहे नेताओं और अफसरों की कारस्थानी है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का जाल कुड इस कदर फैला हुआ है कि इसमें ईमानदारी से काम करने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। अफसरों की बेईमानी को ठीक उसी तरह नेताओं का साथ मिल रहा है जैसे नीम चढ़ा करेला। धीरे धीरे अवैध कार्यों और कमाई से सिंडिकेट का खुलासा होता जा रहा है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय को जाता है, जितने बड़ी ही सावधानी पूर्वक आमजन के सामने भ्रष्टाचार की कहानी को सलीके के साथ परोस दिया है। इस मुद्दे पर राजनीति जारी है, लेकिन अब आवश्यकता एक ऐसे माहौल की है जहां ईमानदारी से गड़बड़ियों को स्वीकार कर सरकार को सुधार निश्चित करने की कार्रवाई करे। दारोमदार अधिकारियों पर अधिक है, क्योंकि वो मर्चों पर अधिकारी ही रह दिखते हैं, कोई नेता नहीं। संताल परगना में करोड़ों के भ्रष्टाचार पर ईडी नजर रख रहा है और इस क्रम में कई बड़े खुलासे हुए हैं। खान विभाग में तैनात अफसरों की गाढ़ी कमाई का पूरा लेखा जोखा निकाल लिया गया है। क्षेत्र से पत्थर खनन कर दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में भेजने का खुलासा भी जाँच के क्रम में होता दिख रहा है। इस कारण इसे सामान्य भ्रष्टाचार से अलग रखते हुए देश को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों
के रूप में देखा जाना चाहिए। राजस्व के बड़े पैमाने पर नुकसान कराकर अधिकारियों ने अपनी तिजोरी भरी है। करोड़ों रुपए की नकद बरामदगी यही बताती है कि इस कारोबार में लिप्त लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं था और नियमित तौर पर अर्थ संचय में जुटे हुए थे। राज्य के एक सीनियर अधिकारी जेल से भेजी गई है और कई अन्य अधिकारियों पर गाज गिरने की बातें सामने आ रही हैं। कारण जो भी हो, ऐसी परिस्थितियों से राज्य की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अधिकारी अपनी प्रतिभा का प्रयोग क्षेत्र के विकास में करते तो निश्चित तौर पर संताल परगना क्षेत्र विकास के सबसे ऊंचे पावदान पर पहुंच गया होता। जी हाँ, इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।